हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस डू सम प्रॉब्लम्स। पहला प्रॉब्लम जो है यह क्रॉस प्रोडक्ट पर है, तो देखते हैं यह क्या प्रॉब्लम कह रहा है। फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन डिटरमाइंड बाय पी क्यू एंड आर। पी क्यू आर का हमको दिया हुआ है कोऑर्डिनेट। आप जानते हैं कि तीन पॉइंट अगर हमारे पास हो तो तीन पॉइंट से एक ट्रायंगल खींचा जा सकता है, ड्रॉ किया जा सकता है। और अगर ट्रायंगल हमको मालूम हो जाएगा तो हम उसके प्लेन पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उसके प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मालूम कर सकते हैं। सपोज कर लीजिए कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ मान लो P है, यहाँ मान लो Q है और मान लो यहाँ R है। तो PQ ये है, PR ये है। सपोज करो तो PQ क्रॉस PR करेंगे या PR क्रॉस PQ करेंगे तो हमको इसका इससे बना जो एरिया होगा उसे इससे बना जो पैरेललोग्राम होगा उस पैरेललोग्राम का एरिया निकल जाएगा। सपोज कीजिए कि इससे बना कोई पैरेललोग्राम होगा तो इस पैरेललोग्राम का हम एरिया निकाल लेंगे और इस एरिया पर जो परपेंडिकुलर होगा उसका यूनिट वेक्टर हमको निकाल लेना है। तो हम पहले देखेंगे कि पी क्यू है क्या। तो लाइन पी क्यू पोजिशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पी क्यू क्या होगा। पी क्यू को हम लिख सकते हैं कि पोजिशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ पी। इसको हम लिख सकते हैं पोजिशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ पी हम लिख सकते हैं। तो पोजिशन वेक्टर ऑफ क्यू क्या लिखेंगे, 2i प्लस 0j, तो 0 कितना जरूरी नहीं है, प्लस माइनस 1 इंटू k। तो 0j यहां लिखेंगे तो यह तो टर्म 0 ही है, माइनस k। और यह तो हो गया pq माइनस, यह इसका पोजीशन वेक्टर हुआ पोजीशन वेक्टर ऑफ q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ p लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, 1i माइनस 1j प्लस 2k। अब ये दोनों को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2i माइनस 1i दैट इज i, 0j प्लस 1j दैट इज j एंड माइनस के प्लस 2k। यहां माइनस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस 3k हो जाएगा, दिस इज माइनस 3k। तो इसका पी क्यू का वैल्यू निकल गया। अब देखें पी आर क्या होगा। सिमिलरली पी आर बराबर होगा आर का पोजिशन वेक्टर माइनस पी का पोजिशन वेक्टर। आर का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, 0i प्लस 2j प्लस 1k माइनस पी का पोजीशन वेक्टर 1i माइनस 1j प्लस 2k। यदि हम दोनों को घटा लें तो यह हो जाएगा 0i माइनस 1i दैट इज माइनस i, 2j प्लस 1j दिस इज 3j एंड 1k माइनस 2k दिस इज माइनस k। इसलिए PQ क्रॉस PR बराबर, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो पहले हम क्या करेंगे, 1 आई जे के लिख लें, पहले आई जे के आई का कोएफिशिएंट लिखेंगे, दिस इज 1 दिस इज 1 एंड दिस इज माइनस 3। फिर इसमें पी आर को लिखें, माइनस 1 प्लस 3 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू आई कॉमन लेंगे तब हो जाएगा 1 इंटू माइनस 1 दिस इज माइनस 1 माइनस माइनस 3 इंटू 3 माइनस 9
तो पहले से माइनस है इसलिए प्लस 9। दिस इज, अब हम जे को लेंगे कॉमन, इसको काटेंगे तो पहले हम इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3 इंटू माइनस 1 दैट इज 3, माइनस 1 इंटू माइनस 1 दिस इज माइनस 1, तो यहां माइनस पहले से है इसलिए प्लस 1, प्लस यहां के देंगे, के देंगे तो यहां क्या हो जाएगा, 1 इंटू 3 दिस इज 3, माइनस 1 इंटू माइनस 1 दिस इज प्लस 1। ठीक है, समझ रहे हैं, दिस इज इक्वल टू 8i प्लस 4j प्लस 4k, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड, इसका हमको यूनिट वेक्टर अगर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे इसका यूनिट वेक्टर, हमें तो निकालना है यूनिट वेक्टर, तो पी क्रॉस क्यू आर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालने के लिए इसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देंगे, इसलिए यूनिट वेक्टर, रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर, इसको हम मान लेते हैं कि यूनिट वेक्टर एन है, तो एन इज इक्वल टू 8i प्लस 4j प्लस 4k डिवाइडेड बाय, इसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, 8 का स्क्वायर दिस इज 64 प्लस 4 का स्क्वायर दिस इज 16, फिर 4 का स्क्वायर दिस इज 16, यह हो गया 32 प्लस 64 दिस इज 8i प्लस 4j प्लस 4k डिवाइडेड बाय रूट ओवर, कितना हो जाएगा, देयरफॉर एन इज इक्वल टू 8i प्लस 4j प्लस 4k डिवाइडेड बाय किसका, 96 का स्क्वायर रूट, तो 96 का स्क्वायर रूट 4 रूट 6 हो सकता है, तो दिस इज 4 रूट 6, सो दिस इज इक्वल टू 8 बाय 4 रूट 6 i प्लस 4 बाय 4 रूट 6 j प्लस 4 बाय 4 रूट 6 a, हम इसी फॉर्म में छोड़ सकते हैं या हम लिख सकते हैं 2 बाय रूट 6 i प्लस 1 बाय रूट 6 j प्लस 1 बाय रूट 6 a, दिस इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द पैरेललोग्राम मेड बाय पी क्यू एंड पी आर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ 5i प्लस 12j एट द वेक्टर 3i प्लस 4j, तो इस वेक्टर का फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ 5i सॉरी फाइंड द कंपोनेंट ऑफ 5i फाइंड द कंपोनेंट ऑफ 5i प्लस 12j एट द वेक्टर 3i प्लस 4j, तो हम 3i प्लस 4j का पहले हम यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, तो यह यूनिट वेक्टर क्या होगा, 3i प्लस 4j डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड 9 प्लस 16 का स्क्वायर रूट, 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, सो दिस इज, तो हम अब क्या करेंगे, इसका कंपोनेंट निकालना है तो इससे इसका डॉट करा लेंगे, सो रिक्वायर्ड कंपोनेंट इज 3i प्लस 5i प्लस 12j डॉट 3 बाय 5i प्लस 4 बाय 5j, सो दिस इज 5 इंटू 3 बाय 5 प्लस 12 बाय 4 इंटू 5, सो दिस इज 3 प्लस दिस इज 48 बाय 5, इसका एलसीएम कर लो, दिस इज 15 प्लस 48, 63 बाय 5 इज द कंपोनेंट, दैट्स ऑल, ओके, थैंक यू।